Hello everyone and welcome back to Angrezify. In this video, I'm going to teach you the 31 travel sentences. मैं 31 ऐसे फिक्रा जो कि आप सफर के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. सफर करते हुए हम मुख्तलिफ मकासद के लिए सफर करते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज का भी सफर करते हैं. मुख्तलिफ जगहों पे हम जाते हैं तो ऐसे सिनेरियो यानी ऐसे मौके पे हो सकता है हमें कुछ इस तरह के फिक्रात बोलने पड़े अगले पर्सन को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए. तो इस वीडियो के एंड तक आप ये सभी फिक्रात सीख भी चुके होंगे और आप उनको अच्छे से बोल भी पाएंगे. अगर आप चाहते हैं आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करें तो इस वीडियो के एंड तक देखते हैं और मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है. इस चैनल पे नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें. विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन विल द बस लीव. बस किस टाइम निकलेगी. अब यहाँ पे मैंने बहुत से सेंटेंसेस के अंदर बस यूज़ किया. आप उसको अपनी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. अगर आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पूछ लेंगे व्हेन विल द ट्रेन लीव. ठीक है, तो रीनेमिंग आपने हल्की फुल्की कर लेनी है. मेन चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है स्ट्रक्चर उसका, यानी हम किस तरह का फ्रेज यूज़ करते हैं अंदर. उसका जो नाम जो वर्ड है वो चेंज होते रहते हैं. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच लाहौर, यानी लाहौर पहुँचने में कितना वक्त लगता है. व्हेन एवर यू वॉन्ट टू एस्क द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच योर डेस्टिनेशन, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे. जब आप रास्ता पूछना चाहते हो तो आप इस तरह कहेंगे प्लीज टेल मी द वे टू खानेवाल. अब यहाँ पे मैंने खानेवाल यूज किया. आप जिस जगह का रास्ता पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल प्लीज टेल मी द वे टू चबुर्ची, राइट. माई कार ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई. माई कार ब्रोक डाउन, यानी आपकी कार चलते चलते अचानक रोड के दरमियान में रुक जाती है तो उसके लिए असल यूज होता है ब्रोक डाउन. ठीक है, रास्ते में कहीं बंद हो जाना. एंड देन यू हैव टू पुश द कार टू रीच अ मैकेनिक, सही हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं ब्रोक डाउन. माई कार ब्रोक डाउन. वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम अपना रास्ता भूल गए हैं या हम रास्ता भूल गए हैं. वी हैव लॉस्ट आवर वे. आई हैव टू टेक टैक्सी टू वर्क, I have to take taxi to work. मतलब मुझे टैक्सी पे काम के लिए जाना पड़ता है, यानी काम के लिए जाने के लिए मुझे टैक्सी यूज करनी पड़ती है. या आप ट्रेन बस कुछ भी यूज कर सकते हैं. How far is the office from house? ऑफिस घर से कितनी दूर है. How far is the office from house? तो आप किसी भी जगह का डिस्टेंस पूछने के लिए कि यहां से कितना है आप ये यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ फार इज लाहौर फ्रॉम हेयर, यानी यहां से लाहौर कितना दूर है. तो आप इस तरह करके इसको रिस्ट्रक्चर हल्का फुल्का कर सकते हैं. वट इज द डिपार्चर टाइम, वट इज द डिपार्चर टाइम, वक्त रवानगी क्या है, यानी किस वक्त रवाना होगी आपकी वो सवारी जिस पे आपने जाना है. वट इज द डिपार्चर टाइम, ये पूछने का आसान तरीका है. ही कॉट द बस, ही कॉट द बस, उसे बस मिल गई, उसे बस मिल गई. ही मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई, राइट. तो बस की जगह पे आप कोई भी और यूज कर लें. आई एम गोइंग टू मरी दिस विंटर, मैं इन सर्दियों में मरी जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मरी दिस विंटर, दिस विंटर की जगह आप दिस मंथ, दिस वीक, दिस होलीडे, जिस तरह भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं. इट इज ओनली 5 मिनट्स वॉक, इट इज ओनली 5 मिनट्स वॉक, यानी पैदल सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है. पैदल सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है. What brings you here? कैसे आना हुआ? What brings you here? कैसे आना हुआ? Tire is punctured or flat. Tire puncture है. Flat भी इसके लिए use होता है. Punctured भी use होता है, right? Tire is punctured. Our car got punctured on the way. रास्ते में हमारी गाड़ी puncture हो गई. जब आपने कहना हो कि रास्ते में puncture होगी तो आप ये use करेंगे. Got punctured on the way. यहाँ पे our car, our bus, our whatever you are traveling on, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे. I am going by bus. I am going by bus. मैं बस पे जा रहा हूँ. I am going by train. मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, right? Okay, जब आप किसी बस में या जहाज में या किसी भी ऐसे ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की सीट्स होती हैं और अक्सर आपने देखो कि वहाँ पे एक हैंडल सा लगा होता है जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जो विंडो वाली साइड की सीट होती है, यानी जो खिड़की वाली साइड की होती है, उसको हम कहते हैं विंडो सीट. और जो दरमियान वाली, यानी यहाँ से गुजरने का रास्ता भी होता है और वहीं पे जो सीट होती है उस साइड से, उसको हम कहते हैं आयल सीट. इसके स्पेलिंग है AISLE और इसको हम कहते हैं आयल सीट, राइट. और ये जो हैंडल जिसपे हम अपना बाजू रख के ऐसे बैठते हैं, इसको कहते हैं हम आर्म रेस्ट, आर्म रेस्ट. ठीक हो गया. तो इस तरह करके हम इन टर्म्स को यूज करते हैं. I haven't been there before. मैं पहले वहां कभी नहीं गया. I haven't been there before. What time is my flight? What time is my flight? मेरी परवाज किस वक्त है?
when you want to ask the time of your flight, you will use this sentence. May I have something to eat or drink? क्या मैं खाने को कुछ ले सकता हूँ? Or drink, पीने को. क्या मैं खाने या पीने को कुछ ले सकता हूँ? Where can I find a taxi? मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी? Where can I find a taxi? Do you know where this hotel is? आप जानते हैं होटल कहाँ है? Do you know where this hotel is? आप जानते हैं ये होटल कहाँ है? How many beds are in the room? एक कमरे में कितने बेड हैं? Right? या कमरे में कितने बेड हैं? Please give me a single ticket to Lahore. मुझे लाहौर का एक टिकट दे दें. Please give me a single ticket to Lahore. जब भी आपने यूज़ करना है, टिकट लेना है, तो आप आगे उसकी डेस्टिनेशन लगाएंगे, पीछे टिकट. टिकट टू लाहौर, टिकट टू इस्लामाबाद, टिकट टू कराची, टिकट टू मर्दान और वेयर एवर यू आर गोइंग. हैव यू बॉट द टिकट? क्या आपने टिकट खरीद लिया है? हैव यू बॉट द टिकट? क्या आपने टिकट खरीद लिया है? फॉर हाउ लॉन्ग द ट्रेन स्टॉप्स हियर? गाड़ी यहाँ कितनी देर रुकती है? इंस्टेड ऑफ ट्रेन यू कैन यूज अ बस और कार और एनीथिंग यू आर ट्रैवलिंग ऑन. तो फॉर हाउ लॉन्ग द बस स्टॉप्स हियर, यानी गाड़ी यहाँ कितनी देर रुकती है? Will you go on foot or by train or car or bus? आप पैदल जाओगे या गाड़ी से? Will you go on foot or by train? Sorry, you are sitting in my seat. आप मेरी नशिस्त पे बैठे हैं. When you enter the bus and you see that someone is sitting on your seat, then you will use this sentence. Sorry, you are sitting in my seat. How far is the bus stop from here? Bus stop यहाँ से कितनी दूर है? Right? आप अगेन, मैंने ये सेंटेंस पहले भी एक दफा बोला है, दोबारा हम उसको यूज कर रहे हैं. हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हियर, यहाँ से कितनी दूर है? वेन एवर यू वॉन्ट टू एस्क द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस यू आर स्टैंडिंग ऑन एंड द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू गो, तो आप ये वाला यूज करेंगे. हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द बस. जल्दी कीजिए वरना बस छूट जाएगी. हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द बस. दे कुडंट कैच द बस. वो बस पर ना पहुंच सके या वो बस ना पकड़ सके. राइट? वो बस पर ना जा सके या वो बस ना पकड़ सके. दे कुडंट कैच द बस. माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल और गैस. मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया. माई कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल. इन दैट मैं आपको बताता चलो आप कैसे इस लेसन का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं. तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, जहां पीडीएफ की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा, उस पे क्लिक करते ही आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. आई विल बी बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.